हेलो गाइस। तो गाइस ये स्टोरी एक पबजी लाइट के प्लेयर की, और वो प्लेयर मैं या आप सब में से कोई भी हो सकता है। और गाइस शुरुआत हमेशा लो एंड डिवाइस प्लेयर से शुरुआत होती है, तब जाके हम एक अच्छा आगे डिवाइस ले पाते हैं। अभी गाइस ये कहानी है 3 GB रैम प्लेयर की, जो कि गाइस स्ट्रगल करता है अपने पबजी लाइट गेमिंग में। और हाँ गाइस, जब आप पबजी लाइट को स्टार्टिंग में शुरू किया था खेलना, तब आपको भी बहुत देर तक अपडेट ये सब कुछ करना पड़ता है। और शुरुआत में आपको ऐसे कपड़े दिए जाते हैं जो कि आप देख रहे होंगे, व्हाइट शर्ट व्हाइट पेंट। और हमेशा को शुरुआत में तो रेंडम प्लेयर्स के साथ खेलना पड़ता है। और हाँ गाइस, शुरुआत में मैंने भी 1 GB रैम से ही स्टार्ट किया था। मेरे साथ क्या सीन होता था कि गाइस जब मैं लॉबी में जाता था, तब क्या होता था कि मैं गाड़ियों को ढूंढने आता था कि मेरे को एक गाड़ी मिल जाएगी तो मैं उसे चलाऊंगा इस वाली लॉबी में। बट कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, मुझे यहाँ पर एक गाड़ी भी देखने को नहीं मिलती थी। और जो रेंडम प्लेयर्स आते थे उनकी भाषा तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी, बट कैसे भी करके मैं इनको फॉलो करके जहाँ पर भी ये जाते वहाँ पर मैं भी उतर जाता था, और फिर वहाँ पे बंदों को मारने हम निकल जाते थे। ऐसे गेम को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आगे खेला जाता था। यहाँ पे गाइस शुरुआत में मैं भी सिर्फ इस वाले गेम को एंटरटेनमेंट के लिए खेलता था। मुझे भी नहीं पता था स्प्रे किल से ये सब कुछ क्या होता है, ये तो अभी हमें आज पता चला है। अब जैसे रेंडम प्लेयर्स हमें फॉलो करते हैं, हम उनको फॉलो करके सीधा आ जाते हैं जहाँ पर भी हमें लेके जाते, वहाँ से हम लूट करते हैं, जैसा भी सब कुछ मिलता सब उठा लेते। और पहले तो पता भी नहीं था कि कौन सी गन चलाए और कौन सी गन ना चलाए, और सिर्फ बंदों को मारते थे। और जैसे बंदे मिल जाते थे हम अपने स्प्रे को आगे से आगे इम्प्रूव करते रहते थे, और बंदों को जैसे भी मारते उनके पेटियों में से बहुत देर तक लूट करते रहते थे। और हाँ गाइस, जब मैंने पबजी लाइट खेलना स्टार्ट किया था, मैं बंदों की पेटियां 2 से 3 मिनट तक लूटता रहता था, उनके पेटियों में जागता रहता था। अब यहाँ पे गाइस क्या होता है कि जब मैं बंदों को मारता था तब मैं लेट के मारता था, क्योंकि गाइस मेरा फ़ोन बहुत ही ज़्यादा लेग करता था। और शुरुआत तो मैंने 1 GB रैम से ही की थी। और हाँ गाइस, तुम्हारे साथ भी ऐसा सीन हुआ होगा लो एंड डिवाइस में, जब हम एक बंदे को नॉक कर देते थे और उस वाले बंदे को हम फिनिश करने के लिए जाते थे, बट रेंडम प्लेयर्स हमारे साथ नहीं होते थे। तो बस देखो क्या सीन होता था, मैं एक बंदे को नॉक करके उसका किल कंफर्म करने की कोशिश करता हूँ, तो बस देखो मेरे साथ क्या सीन होता था। यहाँ पे गाइस मैं एनिमी से नॉक हो जाता हूँ। जो रैंडम प्लेयर्स होते हैं उनकी तो भाषा ही मुझे समझ में नहीं आते थे, वो कौन सी भाषा में बोलते थे। अगर मेरी भाषा में बोलते तो मुझे समझ में आ जाता, बट कोई भी रैंडम प्लेयर्स रिवाइव देने के लिए नहीं आता था। हम ऐसे गेम में बार बार मारे जाते थे। और यहाँ पे देखो रैंडम प्लेयर्स के साथ भी क्या क्या सीन होता था। और गाइस पहले मैच में मरने के बाद हम दूसरा मैच भी ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए रेंडम प्लेयर्स के साथ लगा देते थे। अब कौन से रेंडम प्लेयर्स आएंगे हमें भी ये भी नहीं पता था। अब जैसे मैच स्टार्ट होता था तो मैं रेंडम प्लेयर्स को देखता था कि वो कैसे हैं, क्या उनके पास अच्छे आउटफिट्स हैं या नहीं। तो ये ऐसे आते थे मेरे रेंडम प्लेयर्स, तो मैं इनको बहुत देर तक देखता रहता था कि भाई इनके पास ये क्या क्या टोपी, ये सब कुछ मैं देखता था कि ये मेरे पास क्यों नहीं है। और मैं गाड़ियों के लिए ज़्यादा मरता था इस वाले गेम में, क्योंकि गाइस मेरे को गाड़ी चलानी थी इस वाली लॉबी में, बट मेरे को कभी भी यहाँ पे गाड़ी नहीं मिलती। और गाड़ी मिलती है ना तो ऐसे टीममेट्स को मिलती है, जो कि गाइस देखो गाड़ी पानी में घुसा दी, और मेरे को यहाँ पे गाड़ी भी नहीं मिलती। तो मैं इस वाली बग्गी को गाइस पानी के अंदर ही चला रहा हूँ, बट मेरे साथ ऐसा सीन बहुत तेज सी बार हुआ है। और गाइस फिर से हम दूसरे मैच में आते हैं रैंडम प्लेयर को फॉलो करके, और रैंडम प्लेयर कई पर भी कुदा देता था। हमें पता नहीं होता था कौन से लोकेशन पे अच्छी लूट मिलेगी या नहीं, और यहाँ से जैसे हमें लूट मिलते हम उठा लेते थे। और यहाँ पे तुम्हें पता होगा कि जब शुरुआत में पबजी लाइट था तब बंदों से ज़्यादा तो इस वाले गेम में बोट ही देखने को मिलते थे, तो हम शुरुआत में बोट ही मारा करते थे। और गाइस सीन तो तब होता था जो लो एंड डिवाइस प्लेयर है उनके साथ ऐसा सीन बहुत सी बार हुआ, मेरे साथ भी बहुत सी बार हो गया। 1 GB रैम में ऐसा आता था, अब हमें पता ही नहीं होता था कि ये क्या है, हम इसको ओके कर देते थे और ऐसा चलता रहता था। बहुत सी बार हम रेस्टार्ट करके आते थे मैच को, तो गाइस ऐसा सीन आता था कि मैं रेस्टार्ट करके जैसे मैच के आता हूँ तो देखो मेरे साथ क्या सीन होता था। और गाइस मेरे को यहाँ पे दिखा दिया जाता था कि तुम मारे गए हो उस वाले मैच में, तो मेरे साथ ऐसा सीन बहुत सी बार हुआ है। तो क्या ही कर सकते हैं लो एंड डिवाइस प्लेयर, तो तुम समझ ही सकते हो क्या होता है। और गाइस मैं दूसरा मैच स्टार्ट करता हूँ, फिर से रैंडम प्लेयर्स के साथ आ जाता हूँ, और फिर से अच्छी खासी गन्स जैसे लूट मिलती है। फिर सामने वाले बंदे मेरे को जैसे फायर करते हैं, तब उन वाले बंदों पर मैं सीधा घुस जाता हूँ। मुझे पता ही नहीं रहता कि सिर्फ बंदों को मारना है, ऐसे नॉर्मली गेम की तरह खेला करता था। तो देखो सीन क्या होता था मेरे साथ।
और गैस हमेशा गेम में मरते रहते थे। और गैस जब मेरे को खुशी तो तब मिलती थी जब गैस मेरे को AWM मिलती थी, क्योंकि गैस मेरे पास शुरुआत में लो एंड डिवाइस था, तब मैं ना ड्रॉप लूटने नहीं जाता था क्योंकि गैस ड्रॉप पे मेरे को बंदे मार देते थे। और मेरे को जब ऐसे AWM मिलते मैं बंदों को मारने का ट्राई करता, लेकिन गैस मेरा AWM का शॉट उनको लगता ही नहीं था। अब जैसे गैस मैं AWM मारने का ट्राई करता ना, तो सीन देखो मेरे साथ क्या होता था। और हमेशा की तरह गैस गेम में मरते रहते थे। अब आगे भी मैं बंदों को मारने का ट्राई करता था, बट सीन देखो क्या क्या होता मेरे साथ। और गैस हर बार की तरह मैं आगे भी गेमों में मरता रहता था और ऐसे बंदों पे घुस जाता था, मुझे पता नहीं था कि उनके पास कौन सी गन होती थी। और गैस हर बार मैं हमेशा गेम में मारा जाता था। मैंने ठान लिया था कि मैं पहले सोलो में करूंगा, क्योंकि गैस 1v1 में मैं पहले सीखना चाहता हूं कि मैं 1v1 फाइट ले पाता हूं या नहीं। तो मैं सीधा स्टेडियम में आता हूं 1v1 फाइट लेने के लिए, और यहां से पहले मैं लूट करता हूं, फिर सामने वाले बंदे को मैं ये दिखाना चाहूँगा कि मैं 1v1 में मेरा एम कैसा। जब गैस मैं 1GB रैम में खेलता था तब भी मेरा 1GB रैम में एम अच्छा था। अब सामने वाले घर में बंदा होता है तो बस देखो मेरा एम असिस्ट कैसा था। यहाँ पे गाइस मैं सोलो में 1v1 की ट्रेनिंग तो मैंने कर ली थी, अब बारी थी गाइस मैं 1v2 कर पाता हूँ या नहीं, तो मैं सीधा डुओ स्टार्ट करता हूँ। अब जैसे गाइस मैं लॉबी में आता हूँ ना, मेरे को गाड़ी देखने को मिल जाती ना, तो गाइस मेरा दिल खुश हो जाता था क्योंकि गाइस मेरे को पहली बार ऐसा गाड़ी देखने को मिलती थी। अब बारी थी गाइस मेरे को 1v2 करने की, तो बस देखो कैसा करता हूँ मैं। और गैस डुओ में भी मैंने लो एंड डिवाइस में अच्छी खासी ट्रेनिंग कर ली थी, मैं हमेशा अच्छे किल्स के साथ चिकन डिनर कर लेता था। अब आ रही थी गैस मैं स्क्वाड में मतलब कर पाता हूँ क्लच या नहीं, तो फिर से हम रेंडम प्लेयर्स के साथ खेलता हूँ। अब आ रही थी इस वाले बंदे को स्क्वाड क्लच करने की, तो बस देखो। यहाँ पे गैस मेरे सामने होती है पूरी स्क्वाड, तो मैं ट्राई करता हूँ इस वाली पूरी स्क्वाड को मारने का। अब गाइस शुरुआत में मैंने लो एंड डिवाइस से अच्छी खासी शुरुआत कर ली थी अपनी एम की और स्किल्स की। अब बारी थी 6GB रैम वाले प्लेयर की, तो बस देखो। ब्रो इनका नाम क्या है जाने तक के पहले का? क्या सूट है इनका? इनका नाम क्या है बताओ ना। तू भाई तेरा नाम क्या है? It's show time.
और गैस आपको इस वाली वीडियो से क्या सीखने को मिला एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और गैस अगर आपके पास लो डिवाइस है ना तो आप खुद को नोब मत समझो, क्योंकि गैस आप 1 GB 2 GB 3 GB रैम कोई सा भी फ़ोन है आप उसके अंदर स्किल्स ला सकते हो, बस आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि हम स्किल्स ला सकते हैं। तो गैस मैं मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।